Hey guys, welcome back. मेरा नाम है अमन। guys, मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज हमारे घर पे आने वाला है सोफा। मैंने भैया को बोला था कि भैया जल्दी जल्दी सोफा बना के प्लीज हमको दे दो, और भैया अपने टाइम से पहले ही है ना हमको सोफा देने वाले थे। लेकिन मैंने भैया को बोला कि भैया आज मत आओ, मतलब कल ही सोफा आने वाला था। मैंने भैया को बोला कि आज मत आओ, आज हम लोग है ना कुकिंग वीडियो शूट कर रहे हैं, इसलिए भैया ने बोला तो कल लेकर आ जाऊंगा। तो आज फाइनली वो लेकर आने वाले है। सो एक्साइटेड है खुशबू, आज सोफा आने वाला है। मैं एक्साइटेड भी हूँ और डर भी लग रहा है मुझे। डर किस बात का लग रहा है तुझे? क्योंकि आज मेरा हाफ ईयरली एग्जाम का रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला है। मतलब आज तेरा मतलब रिजल्ट आने वाला है? हाँ। यार गाइस, इस दिन का तो मेरे को कब से इंतजार था। और मुझे बिल्कुल नहीं है क्या इंतजार इस दिन का। पायल क्या लगता है इसके कितने परसेंटेज आएंगे? कितने आएंगे? 85 के आसपास आ जाएंगे। 85 मैंने मेहनत किया है, पर मुझे नहीं पता कि मैं अपने मेहनत के ऊपर खड़ी उतरी हूँ कि नहीं। ऐसा कुछ नहीं होता, अगर आपने कुछ लिखा है तो आपको पता होना चाहिए कि मैंने इतना लिखा, मेरे इतने तो आएंगे ही। हाँ ऐसा ही होता है। अब मुझे पता होता है कि मैं कुछ लिखता ही नहीं है, तो मुझे पता है 40-50 आएंगे। मेरे आ जाएंगे 80-85। हाँ चलो भाई, तो हमारी लड़की बहुत होशियार है। 80-85 वालों को बहुत इज्जत मिलती है। सही बात है ना। अगर तेरे अच्छे मार्क्स आएंगे ना तो मेरे लिए मिठाई लेकर आना, ठीक है? इतना सारा पैसा रखी हुई है इसके पर्स में, मैं बता दूं 2-3 हजार रुपए होंगे, फिर भी देखो कैसे कर रही है। कहाँ है वो मेरा पर्स बताओ, मुझे खुद को नहीं पता। है अभी मैं निकाल के दिखा दूंगा तो रोने लगेगी। देख मेरे ना पेंसिल पाउच में होगा, देख कितने हैं, 10, 20, 30, 40 रुपए हैं। हाँ तो इससे ही लेकर आना, ठीक है? 40 रुपए में मिठाई आता है? हाँ आता है, पेड़े लेकर आना। जाओ 11 बजे तक ही है मम्मी, तू चल मेरे साथ। ये पता है क्यों मुझे लेके नहीं जा रही? टैंक के सामने ही मैं इसको डांट दूंगा अगर मार्क्स कम आएंगे तो। मेरी बेइज्जती हो जाएगी, रहने दे तू, मत जा। इतना पढ़ने के लिए डांटता हूँ ये पता है? आप तो एक भी बात नहीं बोलती हो, आप तो इसको ना अपने सर पे चढ़ा के रखी है, बहुत ही ज्यादा प्यार लाड दुलार देती है ना, इसलिए। छोटी बच्ची है ना इसीलिए। आपकी छोटी बच्ची है ना, एक दिन ऐसा काम करेगी ना कि सारी छोटी बच्ची निकल जाएगा। नहीं हमको विश्वास है इस पे। विश्वास है? हाँ। ये कुछ गलत काम नहीं करेगी? कभी नहीं करेगी। वाह, हमारे ऊपर नहीं है? नहीं सबके ऊपर, हमारे तीनों बच्चे के ऊपर है। वाह वाह, माँ हो तो ऐसी। मुझे लग रहा है खुशबू यहीं पे है ना 11 बज जाएगा, क्योंकि जिस स्पीड से मम्मी निकल रही है ना घर के बाहर, मुझे लग रहा है तेरा रिजल्ट आज मिलने वाला है नहीं। अगर मैंने आज अपना रिजल्ट नहीं देखा तो तुम सबको मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ। अरे मेरी गलती नहीं है, जो गलती है मम्मी की है। देख अभी भी लेट कर रही है, मेरा चश्मा ही ढूंढ रही थी। डाइनिंग टेबल आ चुका है। सो ये रहा हमारा डाइनिंग टेबल। सो गाइस, ये दिखने में एक्सपेंसिव लग रहा होगा आपको, लेकिन ये बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं है, बहुत ही सस्ता वाला डाइनिंग टेबल है। तो यहाँ पे है ये ग्लास और वुड वाला है, बेंच वाला लिया है बैठने वाला, पहले दिखा दे, ऐसे बेंच वाला लिया है बैठने वाला, कुछ यूनिक लिया है। और ये रहा हमारा सोफा, यहाँ तो दिखा दे पायल, ये रहा ग्रीन कलर का हमारा सोफा, कितना अच्छा लग रहा है ना पायल, फोटो वीडियो अच्छी आएगी ना इस पे। हाँ कितना स्मार्ट लग रहा हूँ मैं, स्मार्ट लग रहा हूँ, सोफा स्मार्ट लग रहा है, मैं लग रही हूँ, रहने दो। सो गाइस, ये भी आपको है ना सोफा जो है एक्सपेंसिव लग रहा होगा दिखने में, लेकिन ये बिल्कुल ही सस्ता है गाइस। ले तो हम लग्जूरियस सोफा भी सकते थे, लेकिन हमको लेना ही नहीं, हमको क्यों फालतू में पैसा वेस्ट करना है। अभी हमें जरूरत नहीं है उतनी महंगी चीजों की। यस, इसीलिए वो तो सिर्फ हमारा लुक अच्छा नहीं दिख रहा था ना बेड की वजह से, इसलिए हमने सोचा कि सोफा ले ले, क्योंकि कोई भी हमारे घर में आता था ना तो बोलता था कुछ फर्नीचर नहीं हुआ क्या, कुछ फर्नीचर नहीं हुआ क्या, और बोल के दिखाओ हुआ है फर्नीचर, है हमारे घर में फर्नीचर, ये रहा। और बस हम लोग यही सारी चीजों का वेट कर रहे थे, हमने सोचा था कि ये कलर हो जाएगा तो ये सारे बेड्स है ना हम लोग बाहर निकाल देंगे, इधर है ना सोफा लगा देंगे, तो हमारा घर है ना बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल सा लगेगा। और गाइस मैं सोच रहा हूँ कि ये सारे वॉल पे है ना मैं फोटो फ्रेम्स वो सब भी लगाऊं। नहीं नहीं लगाना, नहीं, हम ये जो बाहर का हॉल है ना उसको अच्छे से रहने देंगे, इसके अंदर एक भी खिली विली नहीं लगाएंगे हम लोग। ठीक है। कलर कैसा लगा तुझे सोफे का? आई थिंक मुझे आपने बताया था पहले कि ग्रीन कलर आने वाला है। नहीं मैंने तुझे नहीं बताया। आई थिंक बताया था इधर। नहीं 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 बताया, तू क्या कौन से ख्यालों में रहती है, मैंने नहीं बताया तुझे। हाँ
तो मुझे पता नहीं होगा, पता नहीं क्यों, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने बताया है। ये सोफा जो है वो मैंने कस्टमाइज करवाया है, ये ब्लू कलर में था लेकिन मैंने इसको ना ग्रीन कलर में करवा दिया। फटाफट से ना ये वाला जो बेड है ना, हाँ, वो जाके बाहर रखाओ तुम दोनों। क्या? हाँ मैं नहीं करने वाली है। अरे सुबह से तूने एक भी काम नहीं किया, इतना तो काम कर दे। नहीं मुझसे ये नहीं रखा जाएगा। कोई भी एक नंबर की आलसी है, कोई भी काम नहीं करती। खुशबू कर देना इसकी हेल्प। गुड नाइट। कर देना प्लीज। गुड नाइट। अब आपको काम करना है, ठीक है? मैं सुबह से काम कर ही रहा हूँ पायल। मैं भी कर रही हूँ। हाँ हाँ वो सो सो के पढ़ रही है, वो काम नहीं कहते, वो तेरी पढ़ाई हो रही है। ठीक गाइस, मेरे से जितना हो पाया मैंने जो है वो सोफा सेट जो है यहाँ पे ना सेट करवा दिया पायल और खुशबू की मदद से। अब जब मम्मी घर पे आएगी ना तब है ना ये डाइनिंग टेबल कहाँ पे उसको रखना है ना वो बताएगी, तब है ना इसको भी हम लोग है ना सेट करेंगे। और मैं तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ इसके ऊपर बैठ कर है ना खाना खाने के लिए। बहुत ही ऑकवर्ड लग रहा है, जैसे कि अब ये सोफे पे ऐसे सोना बैठ रहता था तो हम आराम से ऐसे सो जाते थे ऐसे करके, पर इसमें तो आदम कुछ दिख रहा है। परिवर्तन ही संसार का नियम है, अब तुम आदत डाल लो। कुछ पाने के लिए कुछ होना पड़ता है, जैसे कि ये नहीं था बेड में। हाँ सही बात है, गद्दा नहीं था पीछे, है ना? हाँ। वो दीवार गंदी हो जाती थी, अब नहीं होगी गंदी। मुझे ना अब मेरा घर अच्छा नहीं लग रहा, पहले ही जो अच्छा लग रहा था। ये बात तो सही है गाइस, जब भी न्यू फर्नीचर आता है ना तो अपना घर अपना नहीं लगता, अपनाने में ना थोड़ा सा टाइम लगता है। अभी तो अपना घर और भी ज्यादा बदलेगा, जैसे कि ये सारे बेड्स वो सब बाहर चले जाएंगे, ये टेबल बीच में आ जाएगा, फिर इधर पर्दा भी लगेगा। पैर धोया था खुशबू? पैर धोया था तूने? नहीं देख मेरा पैर। ए चल जाके पैर धो के आ और फिर इसके ऊपर लात रखना, चल चल चल। अरे भैया तूने कलर ही ऐसा लिया कि इसके अंदर है ना काला कलर भी लग जाएगा ना तो नहीं दिखेगा। ऐसा नहीं है, चल जाके पैर धो। पायल तूने धोया था? ये तो और बच्चे के साथ बच्चा बन जाती है। पोंछ रही है, ले रुक जाने दे मम्मी को बताता हूँ। पोंछ रही है। हाँ हाँ पोछो पोछो, खुद तो पैसे देने नहीं होते, जो पैसा देता है ना उसको पता होता है। पापा से बोलता हूँ, रुको उन्होंने ही दिया है ना, उनको आने दो। मैं बोलता हूँ पापा गंदे पैर रख के है ना इसके ऊपर बैठ रहे हैं सोफे तो के ऊपर। नहीं हाँ 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 दिख रहा है सब वीडियो में। आप मार्केट गए थे ना, आपकी दोनों बेटियां जो है वो आराम से सो रही थी, मुझसे ना एक भी बार इन दोनों ने नहीं पूछा कि भैया आप खाना खाओगे कि नहीं खाओगे। कितना झूठ बोल रहे हैं मम्मी। मैं पता है क्या बोलती है, पूछने के लिए पूछ लिया, मुझे पता है तू ना ही बोलेगा, बनाना तो मुझे है नहीं, ऐसा बोला था। बोलो अगर वो हाँ बोलते तो मैं पक्का बना के दे देती। नहीं मम्मी मैं दाल और रोटी तो बना ही देती उसके लिए। ये तो चलो इसने तो एटलीस्ट पूछ भी लिया, पायल ने तो मुझसे ना एक भी बार नहीं पूछा। मम्मी ऊपर छोड़ के गए बच्चे को तो उसको खिचड़ी तो बना के कम से कम दे देना चाहिए। उससे सोच रही थी कौन सा कलर होगा कौन सा कलर होगा, देख लो कौन सा कलर है, ग्रीन कलर। ग्रीन कलर अच्छा है। अच्छा है ना, अब अच्छे से साफ भी करना, सफाई भी करना जरूरी है। सो गाइस मम्मी गई थी थोड़ी बहुत सी है ना सामान की खरीदारी करने के लिए। पानी के बोतल लेकर आए। पानी का बोतल लाइए और हाँ, और ये हमारे लिए ये बेल्ट लेके आइए। हाँ हाँ दिखा दो लो गाइस देख लो, ये लेकर आइए, चूड़ी लेकर आइए, लो दिखा दिया लो। ये क्या है? इसके लिए गई थी गाइस, इसके लिए पूरा 50 रुपया भाड़ा लगा के गई है, और आया कितने का ये? 150 रुपया। ये क्या है? नेल पॉलिश। नेल पॉलिश ओके। ये 20-20 रुपया में आया, इधर कितने 30-40 रुपए में देते हैं। अच्छा ये क्लचर लेके आई है मम्मी, ये वाला बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये डोरीमोन का पॉकेट है गाइस, इसमें से सारी चीजें निकल रही है। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये भी थोड़ा सा कपड़े मिला था तो लेकर आ गई। फैब्रिक लाइए फैब्रिक। इतनी चीज खरीदारी करने में 4 घंटे लग गए आपको? मैं तो ऐसे ही गई थी, मूड बन गया तो चली गई। मूड बन गया तो चली गई अपनी सहेली के साथ, है ना? हाँ, जाना। और तो खाने को तो कुछ लाई होगी? ये लेकर आई हूँ तेरे लिए। क्या जामफड़ भी लेकर आई है खाने को? लाओ दो मुझे खाऊं। गाइस बहुत जोर से भूख लगी है, फटाफट से मैं इसको खाऊंगा। गाइस यहाँ पे हमारा डाइनिंग टेबल जो है वो लग चुका है और देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है ना खुशबू? हाँ, और आज से ना मैं इसके ऊपर ही खाना खाऊंगी। ऑब्वियस सी बात है, अब आ चुका है तो इसके ऊपर बैठकर ही खाएगी ना। और मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ इसके ऊपर बैठ के खाने के लिए। क्या लेकर आई है इसमें? मैं खोलती तो आप खुद देख लो। ओ, ये तो कलरफुल पत्थर लाई है। यस। वे इतने सुंदर सुंदर पत्थर कहाँ से लाई तू? मम्मी से पूछो। मम्मी कहाँ से लाई हो? ये बहुत दिन से रखी हो। बहुत दिन से
पर किस लिए लाई थी ये वाला? वो ये तो रखी थी उधर गमला में रखने के लिए। ये अंदर रख रही है सारा का सारा, तो कितना प्यारा लगेगा। अभी तो हमने इसके अंदर है ना इतने ही पत्थर रखे हैं, अगर हमको मिलेंगे कहीं बाहर तो हम और लाके रख देंगे। अरे मिलते हैं, बहुत सही दुकान पे मिलते हैं ऐसे तो पत्थर। तो तू लेके क्यों नहीं आती? पैसे दो, रुक जा मैं तुझे दूंगा, तू लेकर आना ठीक है। अरे ऑनलाइन भी मिलता है। हाँ तो हाँ मम्मी। हाँ। अब अच्छी अच्छी है ना डिश निकाल दो मम्मी इधर रखने के लिए। अभी नहीं निकालेंगे। क्यों? अभी टाइम लगेगा बेटा, देखूंगी कहाँ कहाँ रखी हो। ओके मम्मी दिवाली के बाद निकालेगी गाइस। जब सारे गेस्ट आके घर पे चले जाएंगे ना उसके बाद निकालेगी। ना ना गेस्ट के लिए फटाफट निकालती है, हमारे लिए नहीं निकाल रही है मम्मी, बहुत चालाक है। मम्मी को ऐसा लगता है कि हम उस लायक नहीं है, हम उतने अच्छे अच्छे प्लेट में हम खाने के लायक नहीं है, पर मम्मी हम खा सकते हैं उतने अच्छे प्लेट में। वही तो मम्मी हमको है ना फूटा फूटा छिप्पी में खिलाती है। निकाल देंगे ठीक है ना। हाँ। अब इतना बोल दिया है ना कैमरे के ऊपर कि मम्मी है ना निकाल के फटाफट आज ही हमको दे देगी। फटाफट से मम्मी वो साइड को भी है ना साफ कर देते क्योंकि परसों ही है ना धनतेरस है। हाँ सफाई हो जाएगा। हो जाएगा ना, चिंता मत कर, वो देखता हूँ मैं कितनी जल्दी होगा। मैं उधर चली गई ना मार्केट, नहीं तो आज सफाई हो जाता पूरा। ओके लेकिन मम्मी रात को जग के और कल तो कर ही देंगे है ना। हाँ हाँ ठीक है, क्योंकि फिर परसों से तो बहुत ही ज्यादा हम लोग बिजी रहने वाले हैं। ठीक है। और गाइस कुछ नहीं है मेरे पास बोलने का। होप करता हूँ आपको ये वाली वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना। बाय बाय।